यादों का कैनवस। मत भूल, मैं तो जेल काट के आया। अपनी दमदार अदाकारी से लंबे अरसे तक लोगों के ज़हनो दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाले कामयाब तरीन अदाकारों की फेरिस्त में शामिल होते हैं अजीत। गुजरात में बाढ़ आई है। बतौर विलन जो बेहतरीन दर्जा इन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा में मिला वो शायद ही उस दौर में किसी और विलन को नसीब हुआ होगा। आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 27 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे और हैदराबाद में पले बड़े अजीत का असल नाम था हामिद अली खां। मैं तुझे कई बार मना कर चुका हूँ कि मुझे सरदार न कहकर। उनके वालिद बशीर अली खान निजाम हैदराबाद की फौज में एक अहम ओहदेदार थे। हामिद अली खान को लड़कपन से ही फिल्मों का शौक था। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में कभी दिल न लगा, सो 1944 में एक दिन कॉलेज की किताबें बेचकर हीरो बनने की गर्ज से मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। 1944 में जब इन्हें पता चला कि पूना में शालीमार सुरू के कर्ता धर्ता WZ अहमद साहब फिल्म मन की जीत के लिए कुछ नए आर्टिस्टों का इंतखाब कर रहे हैं, तो बस ये भी उम्मीदवार बनकर वहाँ चल दिए। मशहूर मारूफ शायर जोश मलिहाबादी और सागर निजामी उस वक्त शालीमार में ही नौकरी कर रहे थे। किस्मत से हामिद अली सागर निजामी को जानते थे, तो सागर निजामी ने उन्हें उस वक्त जारी ऑडिशन में शामिल होने में मदद की, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया और वो रिजेक्ट हो गए। हामिद अली के लिए ये नाकामी बस एक नाकामी थी, ना उम्मीदी नहीं। सो उम्मीद का दामन थामे थामे इन्होंने छोटे मोटे एक्स्ट्रा के रोल करने में भी हिचक न दिखाई। आखिर वो दिन भी आया कि एक्स्ट्रा फिल्म शाहे मिस्र में गीता बोस के साथ हीरो बन गया। इस फिल्म के क्रेडिट्स में पर्दे पर इनका नाम आया हामिद, जिसे बाद में निर्माता निर्देशक के अमरनाथ की सलाह पर इन्होंने आसानी से जुबान पर चढ़ने वाले एक छोटे से नाम अजीत में तब्दील कर लिया। 1959 के आसपास इन्होंने फिल्मों में कुमार नाम के साथ कामयाब होते हीरोज की देखा देखी अपना नाम बदलकर अजीत कुमार करने का ऐलान कर दिया, लेकिन मुगले आजम की बेमिसाल कामयाबी के बाद इन्हें कुमार लगाने की जरूरत ही न पड़ी। साहिब आलम, मैं महाबली की आंखों में शोले देखकर आ रहा हूँ। सरकार, मोती महल, सम्राट, तीरंदाज, शहजाद और नास्तिक जैसी फिल्मों में अहम रोल निभाकर काफी नाम कमाया अजीत ने। एक पल रुक जाना। 1953 की कामयाब फिल्म शिकारी में भी वो रागिनी के साथ बतौर हीरो नजर आए। नया दौर जैसी सुपरहिट फिल्म में दिलीप कुमार के साथ सेकंड लीड में वो नजर आए। मैं शंकर को जानता हूँ बाबू, मैं शंकर के घोड़े को जानता हूँ। अपनी हीरो वाले इस दौर में अजीत ने मधुबाला, वनमाला, निगार सुल्ताना, नलिनी जयंत, सुरैया, गीता बाली, माला सिन्हा के साथ फिल्में की। 1967 में पहली बार वो फिल्म सूरज में राजेंद्र कुमार वैजयंतीमाला के बरअक्स विलेन के किरदार में पर्दे पर नजर आए। 1973 की कामयाब तरीन फिल्म जंजीर के जरिए अजीत ने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नए तरह के विलेन को जन्म दिया। हेलो, फिल्म जंजीर के एक मामूली डायलॉग मोना डार्लिंग को महज अपनी अदायगी के अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में उतार दिया। यादों की बारात में लिली, डोंट बी सिली या फिर काली चरण का सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है जैसे डायलॉग आज भी दोहराए जाते हैं। सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। 70 की वो दहाई अजीत के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। इस दौर में उन्होंने बतौर विलन पूरी 57 फिल्में कर डाली। मेरी अकल में जो आया वो मैंने किया। एक जुदा से अंदाज का अनोखा कलाकार अपनी उम्र अजीज के आखिरी अय्याम में दिल के मर्ज में मुब्तला रहा और आखिरकार 21 अक्टूबर 1998 को इस दिलदार पठान ने 76 बरस की उम्र में दुनिया को और सिनेमा को अलविदा कह दिया। यादों का कैनवस।